अरे ए, भाग मत भाग मत। ए, 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 रुक, रुक, क्या हुआ बेटी, कैसा शोर है? शेर जी आए पिताजी। मुझे उल्लू बनाती है। ठीक है बेटी, दामादी का ध्यान रखना। अच्छा। तेरे जैसा बाप किसी को ना मिले। आजकल के बच्चे भी है ना, अपने आप को पता नहीं। मैं तुझे नहीं, मुर्गी को पकड़ने आया हूँ। फंस गई, पकड़ लो। तो हट जाएगी ना? हट जाऊंगी। हट जाएगी ना? हट जाऊंगी। देख 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 देख, चीटिंग मत करना। तू चिपक गई, मुर्गी भाग गई। अरे इतना सब कुछ एक मुर्गी के लिए? अपनी बहन के लिए। क्या बहन के खातिर? हाँ भाई, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पकड़ लिया भैया। पकड़ के ले आया ना। इतने में दिमाग उड़ गया क्या तुम्हारा? अगर बहन और भाई दोनों मिल गए तो सिर्फ गांव पर ही नहीं, गांव के कुएं पर भी आफत आ गई। वीर, मैंने गांव में दूध दे दिया है और बैंक में पैसे भी जमा कर दिए। ओए, ये कुएं का पानी नीचे क्यों गिरा रहा है तू? छोड़ ना यार, बोलूंगा तो यकीन नहीं होगा। पहले तुम बताओ तो भाई, कुएं के अंदर सोना है? हा? कसम से मेरी बहन कावेरी की कसम। हा? हमारे गांव के कुएं में सोना है। वीर ने अपने बहन की कसम खाई है। सोना है। हमारे वीर का दिल तो देखो कितना बड़ा है, अकेले ना लेकर पूरे गांव को सोना दिलवा रहा है। इसीलिए तो हमारे बाप दादाओं ने इस गांव का नाम सोनपुर रखा था। भैया वीर, ये गांव को दूध बांटने वाले हाथ हैं, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। सी द प्लेस एंड टेक द रेस्ट। अरे भाइयों देखो, नीचे सोना है। अरे कहाँ है सोना? वहाँ नहीं है, ये इस गंदे का रिफ्लेक्शन है। पहले से छुपा। ओके मेरी दादी। अरे ये क्या कर रहे हो पागल कहीं के, शर्म नहीं आती? कब तक ऐसे पानी को निकालते रहोगे? पंप सेट लगा कर निकालो। आओ भाग्यवान, सोना छान लो वरना पानी के साथ बह जाएगा। आ गई जी, आ गई। हाँ, ठीक से पकड़ो, नहीं तो सोना कहीं निकल ना जाए। पहले तुम अपने हाथ को संभालो, सोना मैं देखता हूँ। अरे कम से कम बाल्टी मेरे सर पे मत गिराओ। सोना मिल गया। क्या सोना मिल गया क्या? अरे कहाँ पर है मुझे भी दिखाओ। छोटी की अंगूठी, सोना मिल गया। अबे 200 रुपए की अंगूठी, उसके चक्कर में तूने पूरे गांव वालों को बुलाकर पूरा कुआं खाली करवा दिया। इससे मेरे सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, क्योंकि ये अंगूठी मेरे भैया ने मुझे दी थी। तूने पूरे गांव को बुलाया वो बात? सुपर्ब, आई लाइक इट। भाई ने इतनी मार खाई थी, दो दिनों तक दर्द के मारे भाई घर से बाहर ही नहीं निकले थे। भाई बहन में इतना ज्यादा प्यार मैंने खाली सुना था, देखा नहीं था। भाई बिल्कुल सही कहा तुमने, ये दोनों भाई बहन गांव के एक पिक्चर हॉल में फिल्म देखने गए थे। भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं छिपाऊंगी भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगी भैया, मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। ये सीन बहुत ही टचिंग है भैया, मुझे दोबारा देखना है। भाई ऑपरेटर, यस, ये सीन दोबारा लगाओ जरा। अरे देखे वो सीन को और कितनी बार देखेंगे? पंडित जी, झप्पम झप्पी वाली एडल्ट फिल्म तुमने 5 बार देखी थी, उसके लिए मैंने कुछ कहा था, तो ये भी देखो ना। एक सीन को कितनी बार देखेंगे? अब कौन बोला,
पिछली बार कोने वाली सीट पे औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। तू एक सरपंच होकर ऐसी हरकत। वीर जरा सोच समझ के बोल, मैं गांव का सरपंच हूँ। तो आपको भी पैर को कंट्रोल में रखना चाहिए था। ए ऑपरेटर, छोटी का मनपसंद सीन लगा वरना फोड़ डालूंगा। बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। Once more, बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। Once more, बहन, हमारे इस देश में बड़े भाई को पिता के समान समझा जाता है। ये 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 तुम्हें देता हूँ, घर ले जाओ। आज के बाद तुम ठीक चलते कहीं आ बताना। अरे बाप रे, इतना बड़ा हंगामा किया और गांव वाले ने कुछ कहा नहीं। एक दिन वो समय भी आ गया। हमारे गांव में हर साल हो रही इस दौड़ को जीतने के लिए आ गया है हमारे गांव की जान, हमारा शेर। हमारे गांव की इज्जत हमारे लिए जरूरी है, बस जीत कर आ जाना, समझे ना। क्या चाचा जी, आप ही आपकी इज्जत मेरी इज्जत अलग अलग है क्या? देखते जाओ, कछुए की तरह जीत के बताऊंगा। दूसरे गांव के विजेता हमारे सामने है, देखना है कि आज कौन जीता है इस रेस को। कैसी लगी इस रेस को जीतने वाले को पहला इनाम मिलेगा। अगर मेरा वीर जीत गया ना, तो मैं उसे सबके सामने एक प्यारी सी पप्पी करूंगी और इसी पलंग पर सुहाग रात मनाऊंगी। क्या सबके सामने है? कहाँ जा रहा है नंदिनी? ये तू जो किस देने की बात कर रही थी ना, वो गाल पे ही देगी ना। अरे नहीं होता, बड़ी समझदार है। उसका बाप है ना तू? ससुर हूँ। वीर क्या ससुर? अरे वीर का ही है कि पूरे गांव का है बे। जा रहे बेवकूफ। दूसरा नाम वो शीशे वाली अलमारी चाहिए। हाँ भैया। ये क्या है? अरे वीर आगे बढ़ो। ये तूने क्या कर दिया छोटी, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हर साल मेरे भैया इस गांव के लिए कप जीतते आ रहे हैं, इस साल मेरे लिए जीतने दो। भागना, तुमने कुछ गड़बड़ की है। इतने भाई, थैंक्स भाई। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, आओ चौथे नंबर पे हो, जल्दी जल्दी। वीर, तेरी और तेरी बहन की हरकतें मुझसे नहीं सही जा रही हैं। वीर, तुम दोनों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आने वाले मेले में सब गांव वालों के सामने बेइज्जती करा दोगे, इसलिए तुम और तुम्हारी बहन मेले में बिल्कुल नहीं आओगे। तू और तेरी बहन मेले में नहीं जाएगी। सरपंच जी, इस आदेश को बदल मत देना। और भी अपनी बहन के लिए लगाई, नाच भी अपनी बहन के लिए ही, लेकिन अब शहर किसके लिए जा रहा है? अपनी छोटी बहन के लिए। कावेरी, तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा भाई कैसे रहेगा, यही सोच रही हो ना? चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम उनकी फिक्र मत करो। तो फिर कौन करेगा? आराम से। क्या हुआ भैया? बताइए ना क्या हुआ। तुमने माँ को कभी नहीं देखा, यही हमेशा कहती थी ना तुम। सामने देखो। आपके लड़के को लड़की पसंद आई ना? यहाँ आते समय तुम्हारे बारे में पूछा हमने। सुन छोटी, अपनी कहानी खत्म हुई, चल कोई और लड़का देखते हैं। ठीक है। गांव में तुम दोनों के बारे में किसी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। किसी ने गलत नहीं कहा? तुम्हारे बारे में कभी हम गलत बोल सकते हैं क्या? वीर,
तुम हमारे साथ कैसे भी रहो, लेकिन पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसे भाई बहन कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ वीर, 8 साल की उम्र में जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए, तब से तुम अपनी छोटी बहन को कैसे पाल रहे हो, हम गाँव वाले देख रहे हैं ना। तुम दोनों भाई बहनों का प्यार एक मिसाल है, हम अपने बच्चों को तुम्हारा ही उदाहरण देते हैं। आप लोगों को अगर मंजूर है तो अपने घर की बेटी को आपके घर तक बिना किसी शिकायत के देने का हम पूरा जिम्मा लेते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिर क्या बात है, अगर माँ बाप होते तो ये इस घर की शादी होती, लेकिन अब पूरा गाँव शादी को करवाएगा। वीर, तुम पैसों की चिंता मत करना। वो बात ये है कि मैंने छोटी की शादी के लिए थोड़े पैसे एक चिट फंड में जमा कर रखे हैं, अब वो पैसे मिलने वाले हैं, बस मुझे चेन्नई के हेड ऑफिस में जाके वो पैसे निकालने हैं।